Students, today I am going to explain the stanza first of the poem The Lake Isle of Innisfree. The poem is written by poet William Butler Yeats. Stanza 1. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So at first, some words, meanings. Wattles means fences. Bean, a plant, creeper type plant. Bee loud means loud buzzing of bees, sound. ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस या कोर्ट यार्ड. तो वेटल्स का मतलब होता है फेंसेस, जो चार दीवारी. बीन एक प्रकार का प्लांट है, क्रीपर प्लांट. बी लाउड मतलब मधुमक्खियों के गूंजने का, उनके पंखों से जो आवाज़ आता है, बजिंग साउंड. और ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस, कोर्ट यार्ड, आंगन, जो खुला जगह होता है. नाउ द समरी. द पोएट सेज that he wants to go to Innisfree. जो poet कहते हैं कि वो Innisfree जाना चाहते हैं. Over there, he will build a small cabin with clay and sticks which are used to make the fences of the cabin. वहाँ पर जाकर वो एक छोटा सा cabin, मतलब room बनाना चाहते हैं, जो किस चीज़ का बना होगा, clay और sticks, ऐसे sticks जिसका use हम लोग चार दिवाली फेंसेस बनाने में करते हैं. एज ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो. और वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ खाना भी चाहिए. सो ही विल ग्रो 9 रोज ऑफ बीन्स नियर हिज कैबिन. इसलिए वो अपने कैबिन, रूम, घर के नज़दीक क्या करेंगे, 9 रोज ऑफ बीन्स का वो पेड़ लगाएंगे. ऑल्सो He will keep a hive. Hive मतलब beehive, मधुमक्खियों का एक छत्ता भी रखेंगे. A home of honeybees, जहाँ से उनको मधु प्राप्त होगा. The poet will live alone in glade with the sounds of bees. यहाँ glade का मतलब open space. तो poet जो है वो वहाँ पर अकेले रहेंगे और खुले में वो क्या करेंगे, मधुमक्खियों के उन आवाज़ों के साथ वहाँ अकेले बड़े आराम से वो वहाँ पर रहेंगे. दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री फर्स्ट स्टेंजा. ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा. थैंक यू.